अभी बात कर रहे थे ना, बिसाइड बीइंग पुलिसिंग बहुत सारे एक्स्ट्रा चीजें में भी ध्यान देना पड़ता है यहाँ पे, तो उसके बारे में बताओ थोड़ा सा। जैसे ले है, इट्स अ वेरी यू नो कोल्ड, इट हैज अ वेरी कोल्ड वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशंस भी बड़े हार्श है। तो अब नया यूटी बनने के बाद हमें प्लानिंग बहुत करनी पड़ती है, न्यू कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग्स, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें करना है, तो वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट ना किस टाइप का कंस्ट्रक्शन यहाँ करें कि मैक्सिमम हीट यहाँ पे हम रिटेन कर पाए। सो यू बिकम ऑल टाइप ऑफ इंजीनियर्स हियर, आप आर्किटेक्ट भी हो जाते हो, आप सिविल इंजीनियर भी हो जाते हो, आपको डिजाइंस खुद भी देखनी पड़ती हैं, एंड यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि जो स्पेस है वो आपका प्रॉपर यूज हो रहा है, सनलाइट अच्छी आ रही है, और पैसिव सोलर हीटिंग होगी सो दैट आपका हीटर वाला कनेक्शन का, बुखारी का कॉस्ट वो सारा कम हो। सो यहाँ यू नो हर चीज का वो प्लानिंग करना पड़ता है। इफ यू वॉन्ट टू मेक से सोलर लेबोरेटरी फॉर जवान्स, यू शुड बी वेरी माइंडफुल कि पाइपिंग कितनी डाउन होनी चाहिए, उसका इंसुलेशन कैसा होना चाहिए, पानी कब भरना है, पानी कब निकालना है, तो ऑल स्मॉल स्मॉल थिंग्स यू हैव टू प्लान। ये डिस्कस करना होता है किसी के साथ, आप लाइक विद द डिपार्टमेंट। अब सी, अब जैसे आप अपना घर बनाते हो तो आप पूरा तो नहीं छोड़ दोगे ना ठेकेदार पे, आर्किटेक्ट पे, यार तू ही बना के मुझे दे दे और आप सीधा चले जाओगे रहने। सो यू गेट इन्वॉल्व्ड इन ऑल द स्मॉल स्टेप्स, एंड बिकॉज ऑल आवर पुलिस ड्वेलिंग्स आर कंटिन्यूस प्लेसेस इन विच पीपल लिव। ओके, जैसे ऑफिस नहीं है ना 9 to 5 कि सुबह से शाम में काम किया फिर लोग अपने अपने घर चले गए। हमारी लाइन से लेके पुलिस पोस्ट, चौकियाँ, इवन गार्ड पोस्ट, चेक पोस्ट में लोग रहते हैं। एग्जैक्टली, तो जब आप लोग रहते हैं तो आपको स्पेशल इंटरेस्ट भी लेना पड़ता है कि इट शुड गो इन अ लॉन्ग रन, गो अ लॉन्ग वे टू नो कि बाद में फिर प्रॉब्लम ना हो कि बिल्डिंग बना दी और ठंडी रह गई तो फिर फायदा क्या हुआ। उस हिसाब से कल मैंने जिस अब्स के साथ बात कर रहा था, यू सेड यू मेट दलाई लामा एज वेल, सो आई वांट टू नो लाइक, मैंने तो नेचुरली वीडियोस में ही देखा, आई हर्ड ही हैज दैट यू नो पॉजिटिव वाइब्स एंड एनर्जी, सो हाउ वाज योर पर्सनल एक्सपीरियंस मीटिंग दैट पर्सन? यस, हिज होलीनेस द दलाई लामा जी हैड कम लास्ट ईयर इन ले, सो वी हैड द fortunate, we were fortunate to you know do their security arrangements, bandobast and all, and isi beech mein unse interaction bhi hua ek do bar. He is a very you know, as a person, as a persona, is a such a positive vibe na ki you feel so much blessed in his presence. Ha, unke presence mein aapko bada acha feel ho jayega, there is something glow feel hota hai kya jab, bilkul bilkul, and it can't be described like in words, it is something very personal connection, and he treats everybody with the same warmth and respect. I think that is something we should all learn also from him, ki not discriminating anything against, but to be very you know grateful to everyone, that kind of feeling. Like what, if I say what learning you got from him, because he's also running a big associations, being the leader of the association, you need to think every steps, you know, like you are also running, like being the SP, you are also the father big figure of all the association na, to agar kuch seek humko unse mili to kya kya mila hai abhi tak personal level pe? Personal level pe agar personally mujhe kaisa impact kiya, to us hisab se sochne mein ek wahi laga ki he doesn't have grudge or ill feeling about anyone. Okay, तो वो लेवल अचीव करना अपने आप में एक बड़ी बात है, मतलब बीइंग अ ह्यूमन हमारे अपने प्रेजुडाइसेस हैं, ठीक है, मेरी अपनी एक थिंकिंग है मेरी, बिकॉज ऑफ द वे आई वाज, माय अपब्रिंगिंग वाज देयर, द कल्चरल थिंग्स एंड कोर पर्सनालिटी जिसको कहते हैं, हाँ, मतलब सी यू हैव बीन ब्रॉट अप इन अ सर्टेन वे, सो यू आर बाउंड टू हैव सम काइंड ऑफ यू नो आउटलुक अबाउट समवन, बट टू बी वेरी यू नो grateful for everyone, and his teachings on compassion, he teaches the same thing everywhere, which is like I think it's so relevant even now, because compassion ek aisi cheez hai na jo beyond your society, cultural roots, your that homogeneity thing, it goes beyond, and you treat every person with equal respect, every being with equal respect. वो अगर हम आधा भी अचीव कर ले तो आई थिंक हमारी लाइफ में भी काफ़ी चेंज हो जाए, तो वो आउटलुक मुझे लगता है कि दे समथिंग की वन शुड वर्क फॉर, इवन आई ऑल्सो पर्सनली कॉन्शियसली आई ट्राई टू बिल्ड नॉट टू बी प्रेजुडाइज्ड अबाउट थिंग्स, बट हाँ सी इन द लार्जर पिक्चर। छत्तीसगढ़, अ गर्ल फ्रॉम वॉर्न बॉर्डर इन छत्तीसगढ़, वर्किंग इन जे एंड के,
What personal experiences या personal अगर मैं पूछूं क्या क्या changes देखे हो आपने? How you are seeing yourself like? If you see the 6 years back Nitya, the now Nitya, what's the difference? I think confidence. Okay. कॉन्फिडेंस में काफ़ी इजाफा हुआ है. पहले मैं सेल्फ डाउट होता है अभी भी ऐसा नहीं है कि बट फिर भी पहले मैं बहुत ज़्यादा अप्रहेंसिव और सेल्फ डाउट बहुत होता था कि यार ये भी नहीं आता, ये नहीं पता, ये नहीं गया. बट जो अपॉर्चुनिटी मिली थैंक्स टू दिस सर्विस एंड द कार्डर ऑल्सो एंड द पोस्टिंग्स दैट आई गॉट थ्रू, कहीं ना कहीं एक वो बताए ना पर्सनल ग्रोथ एक होती रही. आप खुद को भी जानने लग गए कि ओके व्हाट आर योर टेम्पटेशंस, व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स. तो धीरे धीरे आप वो भी चीज़ों में ग्रो करने लगे कि इट्स ओके, लाइफ विल नॉट बी फेयर ऑलवेज बट स्टिल इट्स नॉट अ बैड लाइफ ऑल्सो. इज देयर एनीथिंग यू मिसिंग इन योर लाइफ राइट नाउ? नॉट एग्जैक्टली बट हाँ, यू बिकम क्वाइट अफार फ्रॉम योर फैमिली. So they come and visit you like guests only, and when you go and you become guest to your own house. So that kind of feeling is there. घर वो चीज़ होता है क्या? मतलब मेरे को कभी कभी लगता है जैसे when I went to the hostel for the first time, तो मेरे को मन नहीं करता था वापस आने के लिए. वो चीज़ होता है घर जाने के बाद? फिर जब घर से वापस आने के बाद नहीं, मैं समझी नहीं. जैसे मैं हॉस्टल जब जाता था तो जब हॉस्टल से जब हम घर जाते थे फिर घर से मन नहीं करता था शुरुआत में वापस आने के लिए, क्योंकि फिर पढ़ाई शुरू हो जाएगी, क्लासेस शुरू होगी. तो जैसे आपको भी फिर इसमें हम कंफर्ट जोन से बाहर चले जाते हैं ना फिर? हाँ वो तो है, लेकिन हमारे केस में है ना छुट्टियाँ डिफाइंड है, टिकट्स भी बुक्ड होती है. अच्छा, वो रिटर्न टिकट बुक करके ही जाना पड़ता है? हाँ, क्योंकि आपकी छुट्टी का भी दिन तय होता है ना. हाँ, कि वापस कब आना है. हाँ, वो आपकी ऐसी नहीं होती अनलेस एंड अंटिल देयर इज सम इमरजेंसी और सम रिक्वायरमेंट इज देयर. तो वो मेंटली हम वही सोच के आते हैं, हम तो अब घंटों के हिसाब से सोचते हैं कि अच्छा 48 घंटे, 72 घंटे इतनी अभी है हमारे पास छुट्टियों का टाइम. तो उस हिसाब से वी ट्राई टू मेक मोस्ट ऑफ इट. बट हाँ, थोड़ा तो फीलिंग लगता है कि वापस आप जाओगे तो अगेन कोई होगा नहीं, सारी फिर फैमिली आपकी एक साइड होती है. चलो, आई वांट टेक मच ऑफ योर टाइम. एक लास्ट सेल्फ ऑब्सेस्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज योर फीलिंग यू नो डूइंग दिस पॉडकास्ट? व्हाट आर द फीडबैक्स यू हैव अबाउट अस? इट्स अ ग्रेट थिंग व्हाट यू हैव बीन रिकॉर्डिंग एंड यू नो इंटरेक्टिंग विद सो मेनी ऑफिसर्स एंड ब्रिंगिंग द अदर साइड ऑफ. मैंने कोई वीडियो देखा है आपने? मैंने आपका हाँ देखा. कौन सा है? वो EDG सर थे शायद छत्तीसगढ़ के, पंकज सर का, उनका मैंने एक देखा था. अच्छा, नहीं पंकज नहीं, दीपांशु सर होगा. दीपांशु सर है, आई डोंट नो वो बिहार के हैं या छत्तीसगढ़. पंकज सिन्हा IG बिहार. हाँ, बिहार हाँ, बिहार के IG बिहार. उनके भी वो देखे थे. तो ऐसे पूरे लेंथ में तो नहीं देखा, छोटा छोटा वो ही सारा देखा था. बनाते भी ना बड़े बड़े, कौन देखेगा? पता नहीं, मुझे भी लगता है कि कौन इतने अटेंशन मेरे वीडियोस देखते हैं. चलो, माय गॉड ग्रेस. तो नहीं, अच्छा है कि दूसरा साइड एंड एक पर्सनल एस्पेक्ट एक निकल के आता है. बाकी जो हम ऑफिशियली करते हैं वो तो दिखता ही है सामने. हाँ, उसके लिए तो हम जवाब दे ही देते हैं, उसमें कुछ नहीं है. बट दिस थिंग ऑल्सो मेक्स ऑफिसर्स ऑल्सो टू लुक कि ठीक है, देयर इज अदर साइड ऑल्सो टू इट, टू लुक एट इट. एंड the way you are reaching out to so many people, I think thoda bahut bhi koi inspire ho jaye ya kisi ko bhi wo lage to that's a great achievement. Thank you so much, man. Okay, pleasure to meet you once.
यहाँ पे? फाइटर जनरली हाँ सुबह ही उड़ते हैं क्योंकि दोपहर में फिर विंड होता है ना, तो अच्छा। टर्बुलेंस के कारण दे कांट टेक ऑफ। फुल मून नाइट में भी बहुत उड़ते हैं फाइटर जेट्स ना। सुबह होता है वो चीज़ आपका, गला भारी होता है? ना अब तो नहीं होता। मतलब अब बचपन से ही ऐसे हो गया, मतलब वेरी सॉफ्ट स्पोकन एंड लाइक यू नो काम? हाँ बेसिकली तो वैसे हूँ, थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की। तो दिक्कत होती है पुलिसिंग में इंट्रोवर्ट? नहीं, इट एक्चुअली हेल्प्स। हाउ? बिकॉज यू डोंट गेट प्रोवोकेट और यू डोंट रिएक्ट इमोशनली और वेरी यू नो ब्लंटली। You actually can control many things. And jab, introvert is not about na ki you are bad at public dealing. Mm-hmm. It is more like you generally keep to yourself. You don't mix personally with many people. Uh-huh. But हाँ जब काम का रहता है, जब आपको करना होता है, then you are not afraid to do that also. Okay. अभी ठीक है। तो जब पहली बार लगा ना कि you got JNK कट, झटका लगा था? क्योंकि बाहर से हम लोग JNK के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं। तो क्या था? झटका तो नहीं बैठा, एक्साइटमेंट था। घर वाले बड़े शौक में चले गए कि कहाँ थे और कहाँ पे अब जाना पड़ रहा है। तो वो बेचारे बड़े दुखी हो गए कि ये कहाँ बड़ा टफ स्टेट हो गया है। एंड आई वाज एक्साइटेड कि कोई नई जगह मिली है तो कुछ नया चीज़ देखने को मिलेगा। बट वो डर नहीं था? लाइक ऑब्वियसली आप पुलिसिंग में आ रहे हो, डर वर तो रखने से कुछ होगा भी नहीं, बट एक वो माइंडसेट होता है ना सर लेमैन शुरुआत में। डर मतलब उस हिसाब से, क्योंकि उतना एक्सपोजर भी नहीं था ना पहले, बट ये था कि J&K है, हाँ थोड़ा डिस्टर्ब एरिया है, मिलिटेंसी है। एक्सपोजर था ही नहीं ना J&K के बारे में कि है क्या वो, कैसी जगह है। हमें सिर्फ श्रीनगर फोटोज में ही देखा था, आई हैव नेवर विजिटेड आल्सो। तो जब वो कोई चीज़ का बैगेज आपको पता नहीं होता है तो वो भी एक चीज़ अच्छी होती है। तो वट एवर यू गो एंड यू एक्सपीरियंस इट इज़ द फर्स्ट टाइम। तो बट हाँ फिर जब काम करने लगे, जो देखा, तो मुझे लगा कि शायद इससे ज़्यादा सिक्योरिटी और कहाँ मिलेगी। यू हैव अ BP व्हीकल, यू हैव PSOs अराउंड यू, एंड नो डाउट द थिंग्स आर ऑल्सो यू नो टेकन केयर ऑफ की वैसे करके। बट हाँ आपको जब फील्ड में उतरना होता है तो चैलेंजिंग तो रहता ही है। नॉर्मल डे टू डे पुलिसिंग भी चैलेंजिंग ही है। जो कल मैं पहली बार आके बोला कि यू नो आई वांट टू मेक अ पॉडकास्ट एंड ऑल, क्या फील हुआ था, क्या दिमाग में है, सच सच बताना। मैं जैसे बोली कि मैं बहुत पर्सनली इतना इंटरेक्ट नहीं करती, तो मैं थोड़ा सा अप्रेहेंसिव थी कि किस टाइप की क्या-क्या होमवर्क किया मेरे बारे में बताओ। क्या-क्या होमवर्क किया मेरे बारे में? होमवर्क तो नहीं, आप पुराने आपके वीडियोस वगैरह देखे थे। नहीं, पुलिसिंग वाले होमवर्क नहीं करते हो? लाइक ठीक है, इतना तो अब डे टू डे इंटरेक्शन में तो चलता ही है। वैसा तो कुछ इतना कोई सस्पिशियस या वो नहीं लगा कि जिसमें इंटरेक्ट करना ही नहीं चाहिए ऐसे करके। तो ठीक था, बट हाँ कि किस टाइप के रहेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि ये इनफॉर्मल इंटरेक्शन बड़ा कम करने मिलता है फिर हमें। डर नहीं लगा था क्या पूछ लेगा? नहीं डरना क्या है। क्या नेटफ्लिक्स देखते हो? हाँ क्या देखते हो? नेटफ्लिक्स में अभी पुरानी सीरीज शुरू की है, जैसे फौदा अभी देख रही हूँ। That was an old one, but I discontinued. नहीं, वो इजरायली स्पाई नो, जो इजरायली पुलिस है उनकी। अच्छा। जो एक स्पेशल टीम है उसके ऊपर है, उसमें भी पुलिसिंग। देख लेते हैं अभी कुछ अगर तो। मतलब बाकी जैसे मान लो रोमांटिक चीजें और ये सब नहीं देखते अब? यू आर मोर इनटू थ्रिलर्स? नहीं नहीं, इट्स लाइक डिपेंडिंग ऑन द मूड, क्योंकि आप पूरे टाइम सीरियस वाली चीज़ें नहीं देख सकते हो। तो वैसे उसकी भी कभी कभी कोरियन सीरीज भी देख लेते हैं। अच्छा। तो वो भी ठीक लगता है, तो मूड के ऊपर रहता है ऐसा। तो कोरियन तो लाइक आई वाज इन नॉर्थ ईस्ट, लाइक इतना इन्फ्लुएंस है कोरियन के। एंड हाँ, एंड एक्चुअली ईस्ट जो है ना, मतलब एशियन सीरीज एंड ऑल, यू कैन कनेक्ट मोर टू देम कंपेयर टू द वेस्टर्न। ऑल द वेस्टर्न वाले भी काफ़ी अभी लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंस वाला हो जाता है, लेकिन आज स्टोरी लाइन वगैरह वो शायद एशियन वाली एक जैसी है थोड़ी, तो शायद उसमें कनेक्ट लोगों का ज़्यादा बन जाता है। एक पुलिसिंग एंगल में सवाल पूछूंगा कि अभी आपके, अभी हमारे जनरेशन में देयर आर मेनी सोशल मीडिया क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, एंड उनके लिए क्रीम जगह है लाइक ले, मतलब कोई भी अगर आ रहा है तो उसको ले तो आना ही है, ठीक है? तो इसमें आपका क्या लगता है, लाइक जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर मेरे को थोड़ा सा डिस्क्राइब करोगे, ले में क्या क्या है ट्राइब्स एंड लाइक व्हाट द पीपल स्टेज हियर, लोकेशंस आपके अंडर कितना है? जो ले डिस्ट्रिक्ट है
एरिया वाइज इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया. सो हमारा जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी, उसमें दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, करगिल डिस्ट्रिक्ट और लेह डिस्ट्रिक्ट. सो करगिल पीपल आर फेमिलियर विद द एरिया ऑल्सो, एंड लेह स्टार्ट्स फ्रॉम द करगिल एंड इट हैज़ बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना बोथ. तो इट इज़ अ वास्ट एरिया एंड बिकॉज ऑफ हाई एल्टीट्यूड और क्लाइमेट इतना ठंडा और हार्श है, तो लोग भी बड़े स्पार्सली लोकेटेड हैं. तो जैसे जनरली जो टूरिज्म के लिए प्रमोट होता है वो एक पेंगोंग सो हमारा होता है और एक नुब्रा वैली का सैंड ड्यून्स, जनरली यही दो चीज़ देखने लोग आते हैं. बट उसके अलावा देर आर मेनी ब्यूटीफुल प्लेसेस लाइक सोमोरेरी कोरजोक, इट्स अगेन वाटर बॉडी, वो भी बड़ा सुंदर है विच इज़ लेस एक्सप्लोर्ड. देन हनले में आपका डार्क रिजर्व एक बन रहा है. सो हनले में यू हैव द हाइएस्ट ऑब्जर्वेटरी, ओके, सो दैट एक्चुअली ओपन्स एट नाइट एंड इट स्टडीज द स्टार्स एंड ऑल. तो वो पूरा स्टार गेजिंग, स्टार गेजिंग भी है, वो एस्ट्रोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी. अच्छा. उसके जो डेटा है वो फिर सीधा बैंगलोर जाते हैं. सो दे आर क्रिएटिंग अ डार्क रिजर्व देयर. सो इट्स लाइक हनले विलेज में भी जितने लाइट्स होंगे दे विल बी डाउनवर्ड साइड, not to expose light towards the sky, so not to obstruct the telescope and all. तो हनले एक बहुत सुंदर वहाँ जगह. It's open for civilians? हाँ हाँ, it is open. Oh. And people do come on bikes, क्योंकि अब खारदुंगला के टक्कर में उनमिंगला आ गया है, that is the actually highest motorable road. Okay. तो वो हनले की तरफ से जाते हैं, फिर आप दमचोक साइड जाते हैं. देन बॉर्डर एरियाज में पैंगोंग से आगे जाओ तो चुशूल वगैरह है, चुशूल रिजंगला मेमोरियल है, सो दैट इज ऑल्सो अ गुड प्लेस. फिर यहाँ जंस्कार साइड अब लोग जाना शुरू किए है, जंस्कार अब हो रहा है, अदरवाइज इट वॉज नॉट वेरी मच फेमस, इट कम्स अंडर करगिल डिस्ट्रिक्ट. सो देर लॉट ऑफ यू नो स्पेसेस, प्लेसेस दैट आर वेरी सीरीन एंड वेरी पिक्चरिस्क, एंड पीपल जनरली बिकॉज टाइम कम होता है तो ज़्यादा घूम नहीं पाते, बट है ऐसे बड़ी सुंदर सुंदर जगह है. फिर आप जब चुशूल की साइड जाते हो तो याया सो करके भी जगह है, देर इज़ अ डिफरेंट रूट टू गो देयर. तो वहाँ छोटे छोटे सो है, यहाँ लेक को सो बोलते हैं, ओके, वाटर बॉडी, छोटी वाटर बॉडी, तो सो बोलते हैं. हाँ. तो वहाँ पर दो छोटी छोटी लेक्स हैं एंड यू नो पीपल ऑल्सो कम टू सी इट, बट नॉट मैनी पीपल नो अबाउट इट, एक वो भी चीज़ हो जाती है. सो इट्स वेरी ब्यूटिफुल इन अ वे. ऐसा लैंडस्केप आपको शायद सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान में ही दिखेगा, जो कोल्ड डेजर्ट लैंडस्केप है, दैट्स नोवेयर टू बी फाउंड. हिमाचल साइड में थोड़ा है, काजा वाली साइड में, बट यहाँ पे तो आपको एक्सट्रीम वो दिखेगा. सो इट हैज़ इट्स ओन ब्यूटी. व्हाट्स योर एज मैम? ओ, लड़के को नहीं पूछना चाहिए ना. इट्स ओके, 32 इयर्स. 32 इयर्स, 32 इयर्स बीइंग एसएसपी नाउ, है ना, आप एसएसपी हो? हाँ, मतलब बेसिकली अभी एसपी हूँ, 2026 में फिर एसएसपी का रैंक आ जाएगा. अच्छा, ऐसे. तो एसपी बोलते हैं. हाँ, अभी एसपी बोलते हैं. तो बीइंग एसपी 32 इयर्स, बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो जो टेक्निकली पावरफुल फील वो होता है कभी? एक चीज़ है ना कि मतलब आई पर्सनली फील जो आपको पावर और ये सब दिखता है ना, वो आपके पोस्ट के लिए. इफ़ आई एम नॉट डिस्ट्रिक्ट एस पी ले और एनी डिस्ट्रिक्ट एस पी, आई विल बी नॉर्मल आई पी एस ऑफिसर वर्किंग इन सम अदर यू नो डिपार्टमेंट एंड ऑल. सो एवरी थिंग इज़ विद द पोस्ट. तो द टाइम यू आर एट द पोस्ट, तो ठीक है, आप वो फील ले लो, आप वो एन्जॉय कर लो, बट यू कैन नॉट कैरी इट विथ यू लाइफ लॉन्ग. यू हैव टू देन लीव इट एंड देन अगेन मूव फॉरवर्ड. सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर दोनों फील होता है, क्योंकि आप उस पोस्ट के उस पर हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी एक्ट करना है. आप वैसे अपना पर्सनल विम्स एंड फैंसीज नहीं चला सकते, बिकॉज दिस इज़ नॉट फॉर यू, इट इज़ नॉट फॉर मी जस्ट बिकॉज आई बिकेम आई पी एस तो मुझे ये सब मिल गया. इट इज़ बिकॉज आई गॉट इन टू दिस पोस्ट फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, सो आई विल गेट दोज फैसिलिटीज और दोज यू नो फील ऑफ पावर जो आप बोल रहे हो. बट हाँ, वो it will not be there for long. That is to there. You know, introvert people just said very naughty. Are you someone in the college days? नहीं. शरारती थे? शरारती तो नहीं, but हाँ, daring type तो थे, कुछ ना कुछ कर ही लेते थे. शीशे वीशे तोड़ा किसी का? शीशे तो नहीं तोड़ते थे ऐसे. हम कहीं भी निकल जाते थे गाड़ी लेके. अच्छा.
सोलो की लाइक विद नहीं सोलो विद फ्रेंड्स टू थ्री फ्रेंड्स वी वर देयर वी वर फोर फ्रेंड्स टोटल तो गाड़ी लिए स्कूटी किसी की पकड़ी और कहीं निकल गए और कॉलेज का क्लास शुरू होने से जस्ट 5 या शायद उसके 5 मिनट बाद पहुंचते थे मतलब उतने कॉन्फिडेंस के साथ करते थे कि कुछ भी काम करना होगा हाँ करके फिर वो कर लेंगे सो थोड़े आउटगोइंग फॉरवर्ड तो थे डरते नहीं थे उस हिसाब से कॉलेज कौन सी थी आपकी NIT रायपुर ओ हाँ मैं बताना भूल गया आप तो वैसे छत्तीसगढ़ से हो ना टिपिकल कॉम्बिनेशन है यू कम फ्रॉम आंध्र प्रदेश ब्रॉट अप इन छत्तीसगढ़ क्योंकि वो बड़ा मिक्स हो जाता था NIT में तो ऑल स्टेट से आते थे हर जगह से तो वो भी एक बन जाता था कि कौन कहाँ से क्या है तो ग्रुप बन जाता था तो देयर वाज नथिंग कि ऐसे साउथ इंडियन फ्रेंड्स ही होंगे या वैसे होंगे जो मिलते थे वैसे एक पर्सनल सवाल करूँ अगर आपकी एग्री हो तो बोलिए कि लाइक यू अगेन लाइक एज वी डिस्कसिंग यू गॉट मैरिड टू अगेन अ नॉर्थ इंडियन गाय तो वो कल्चरल शॉक होता है कभी कभी लाइक इन रिलेशनशिप स्टेटस और नहीं शॉक तो नहीं बोलेंगे बट नहीं वो एडजस्टमेंट की दिक्कत होती है नहीं इतनी कुछ खास नहीं बट हाँ फूड को लेके थोड़ा सा हो जाता है बट ओवरऑल बिकॉज आई कैन टॉक इन हिंदी कम्युनिकेट इन हिंदी तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता कि लैंग्वेज बैरियर बहुत है तो बट उनकी हरियाणवी बोली थोड़ी सी रहती है बोलना तो नहीं आता अभी तो समझ ही रही हूँ उस हिसाब से तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत लगता है बट इतना कोई बहुत ड्रास्टिक नहीं लगता कि कुछ अजीब सा ही कुछ आप एक्सपेक्ट कर दिए हो या वैसे करके तो वो लैंग्वेज के कारण मे बी वो थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाता है हाउ इज लाइफ आफ्टर मैरिज मुझे पहले ये टिप्स दो शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मुझे तो करके अच्छा ही लगा है तो मैं तो बोलूंगी कि करना ही चाहिए इट्स पर्सनल थिंग ओनली बट इट्स अ वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम इन द एंड ओके सो इट्स लाइक आपकी गाड़ी चलती रहती है लाइफ में आप चलते रहते हो ठीक है बट उसको सपोर्ट करने के लिए कोई पैरेलली आ जाता है तो दैट एक्चुअली हेल्प्स एंड स्पेशली विद द प्रोफेशनल लाइफ जगलिंग एंड ऑल तो अच्छा ही लगता है कि कोई समझने वाला है टू विच ना यू कैन टॉक एंड गेट अ क्लियरर पिक्चर ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग एंड गोइंग थ्रू उस हिसाब से तो वो कंपेनियनशिप के लिए तो अच्छी चीज़ है बट ना अगर कहीं ऐसा लगे कि कोई आप पे बहुत डिपेंडेंट हो रहा है एंड यू हैव टू टेक द बैगेज देन इट विल ब्रिंग यू डाउन उस हिसाब से तो सो इट हैज़ टू बी अ लिटिल ना जैसे कंपेनियनशिप काइंड ऑफ थिंग शुड बी देयर बट फ्रेंडशिप हैज़ टू स्टे ना एग्जैक्टली यू हैव टू बी गुड फ्रेंड्स before and then you should be comfortable also और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती कि आप हर चीज़ explain नहीं कर सकते so अगर आपको हर बार explain करना पड़े हर चीज़ then ये थोड़ा सा tedious हो जाता है फिर तो कुछ दिन पहले I was talking with one of the DG sir तो he was saying कि जैसे हम लोग अभी frank बात कर रहे हैं ठीक है बाहर के लोग जज करेंगे सिर्फ ये वीडियो देख के they don't know what we yesterday we were talking and outer worlds नहीं पता होता तो कई कबार ये भी चीज़ होता है कि लोग इस कंसेप्ट में चला जाता है कि लोग ना आपको 24/7 वांट टू सी एन IPS ऑफिसर मेजॉरिटी लोग आपकी पर्सनल लाइफ चाहिए नहीं होता है इवन आई वाज वाचिंग अ इंटरव्यू ऑफ शाहरुख खान आल्सो ही वाज सेइंग कि द मोर टॉप यू रीच यू एक्चुअली बिकम लोनली दैट पब्लिक फिगर इट लुक्स गुड लाइक सिमिलरली आप लोग भी पब्लिक फिगर ही हो है ना वो दिक्कत होती है कभी कभी यार मैं पर मेरा भी तो पर्सनल लाइफ है लाइक मैं ऐसे चले गए ना गोलगप्पे आइसक्रीम खाने चले गए कोई देख लिया अरे SP मैडम ऐसे घूम रहे देखो हाँ थोड़े रेस्ट्रिक्शंस तो होते हैं बट देन इट्स लाइक यू हैव टू डिसाइफर कि आपको किस टाइप के उसके सेट में रहना है फॉर एग्जाम्पल कभी कभी आप एनोनिमस जाना चाहते हो घूमने ओके ठीक है निकल जाओ बट देन डोंट क्रेव दैट वन शुड ट्रीट यू विद दैट SP या IPS रिस्पेक्ट देन यू शुड बी अ कॉमनर ठीक है यू एक्सपेक्ट टू बी अ कॉमनर एंड गिव योर सेल्फ दैट कॉमनर फीलिंग फिर आप वो चीज़ मत सोचो कि आपको हर जगह वैसी रिस्पेक्ट या वैसा वो मिले एंड फ्रेंड्स हो जाते हैं कम बिकॉज आपका जो इंट्रैक्शन प्रोफेशनल लेवल पे ज़्यादा होता है सो इवन इफ यू गो टू समबडीज प्लेस एंड
and you know have normal casual friendship also, people may judge you for you know what is the background of that person, why somebody is going there. So that limitation comes. But at the end of the day, if you are nice to people and people are nice to you and you get to that chord, वो फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो भी जाए तो भी आप अच्छे दोस्त फिर बना सकते हो. और जब कभी ऐसा फील हो कि कोई वैसा है नहीं बात करने के लिए कुछ, देन अगेन यू हैव टू गो बैक टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज फॉर दैट. पुराने दोस्तों, पुराने दोस्त कभी नहीं छोड़ने चाहिए. अभी भी है आपके साथ कनेक्शन? हाँ हाँ बिल्कुल. स्कूल फ्रेंड्स? स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स. वो तो नहीं इतना भाव देते होंगे ना कि आईपीएस हो कुछ भी हो. नहीं, अब वो मुझे पहले जानते थे ना आईपीएस बनने से पहले, सो दे हैव, दे नो मी लाइक इन एंड आउट, सो दे शुड बी लाइक केप्ट लाइक अ ट्रेजर. क्योंकि उसके बाद जब आप आईपीएस बन जाते हैं तो पीपल सी यू फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, तो वो आपका वो पास्ट जो है या जब आप कैसे थे जब आप कुछ नहीं थे, तो वो चीज़ वो जानते नहीं है, एंड दैट इज़ अ डिफिकल्ट फॉर यू ऑल्सो टू कीप अप. तो एक लेवल के बाद वैसा हो जाता है. बट देन इफ यू फाइंड गुड पीपल, आई थिंक इट्स गुड टू बी फ्रेंड्स विद देम, इट्स ओके. ठीक है. अभी जैसे मैम कुछ दिन पहले आई वॉज, मतलब मैं खुद ये चीज़ महसूस कर रहा था कि अभी बहुत लोग मेरे को देखते हैं ना कि यू नो मोस्टली विद ऑफिसर्स, ये लोग उनको ग्लैमर लगता है दूर से, अरे इसकी तो बहुत कनेक्शन होगी इंडिया में, ये वो है ना. तो एंड अचानक आप भी इसको आप शायद महसूस करोगे कि अचानक ना आपके साथ इतने लोग जुड़ने लगते हैं, जैसे लाइक सम बिग बिग बिजनेस मैन, ये वो. तो आई वॉज लाइक भाई मेरे से क्या लेना देना आप लोगों का, जुड़ने लगते. दिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि इट्स नॉट द फ्रेंडशिप, देयर हैज सम एजेंडा बिहाइंड इट, यार इससे मिलवा दो उससे मिलवा दो. बट I don't do it, and that's the reason. मतलब मैं officers के साथ भी जितना मेरा friendship way पे ही रहता है, आगे कुछ नहीं होता है. वो वाला feel होता है कि like वो एक loneliness आता है ना. You meet so many people, but you can't make friends because you know at the end they're not your real friends. उसे कुछ चाहिए होगा आपसे. हाँ, उसको आई थिंक मॉडर्न टर्म से वही networking बोलते हैं. हाँ, but इसमें एक, sorry to interrupt, इसमें एक चीज होता है मैम कि मैंने महसूस किया, nobody wants to listen no. आप मना जब करते हो ना, पीपल बैक बिकम्स हार्श ऑन यू. ये वाला फील भी हुआ होगा आपके साथ? हाँ, होता है. और वो थोड़ा सा लेट समझ आया कि ना बोलने के भी तरीके होते हैं. ना को ना नहीं बोल सकते, बट ना को बहुत वे से बोल सकते हो. फिर आप सी सम पीपल जिसको आप समझते हो कि अगर सीधा बोल दो तो ठीक है, एंड बट यू हैव टू ड्रॉ लाइन समवेयर. वो आपको आपके पर्सनल यू नो पीस ऑफ माइंड और उसके लिए करना ही पड़ता है. एग्जैक्टली. सो जहाँ आपको एक होता है ना कंसाइंस का कन्फ्लिक्ट सा लगता है कि यार इसको तो ज़्यादा वो नहीं है, तो आपको पोलाइटली तो ना बोलना ही पड़ता है फिर. चाहे वो उस टाइम के लिए अनकंफर्टेबल हो, बट हाँ इन द लॉन्ग रन इट एक्चुअली क्लियर्स मेनी थिंग्स. एंड लाइक यू सेड, होता है कि लोग जस्ट यू आर आई पी एस, दे वॉन्ट to yeah, you know somebody who are more you know in big circles and all, they just want to be in touch with you, connect with you, and they may or may not have an agenda because it's like ki abhi rishta bana ke rakhte hai, kabhi kaam pade zarurat pade to kar le. And I personally feel there is no shame in asking for help at any given point of time. For that you don't have to keep calling or keep messaging to just keep somebody in your help, and help with an agenda, that's different. नॉर्मल हेल्प हो ही सकता है ना. कि मैं मान लो मैं ले आया, मैं पूछ ही सकता हूँ, मैम बताओ यहाँ पे और क्या क्या लोकेशन, दैट्स अ जनरल. बट कोई ऐसा हेल्प विच कैन कनेक्ट टू सम इलीगल थिंग्स और थिंग्स यू कांट एक्चुअली डू, मैं वो वाले हेल्प की बात कर रहा हूँ, उसमें तो यार ड्रॉ करना पड़ेगा. अगर आप नहीं करना चाहते, आपको बोलना पड़ेगा ना, देर इज़ नो अदर वे. इवन हाउ, मतलब इवन दो इट विल बी अनकम्फर्टेबल और इट मे जियोपार्टाइज योर पर्सनल रिलेशनशिप इन अ सेंस, बट देन एट द एंड इफ इट विल नॉट गिव यू अ गुड नाइट स्लीप, डोंट डू इट. सिंपल, दैट इज द बॉटम लाइन, बिकॉज देन देर इज नो एंड टू इट. आप एक जगह जाओगे, एक कूदोगे, दूसरी जगह फिर ये होगा, मतलब ना वो खाई खुदते जाएगी, आप क्या करोगे फिर. आपने खाई की बात किया, मुझे अब भी ना वो DIG कानपुर सर है, आकाश कुलारी सर, वो ये बहुत एग्जांपल देते हैं. कहते हैं हमारी जो नौकरी है ना, वो ऐसी जगह पे एक तरह कुआ एक तरह खाई है, और हम बीच में खड़े रहते हैं. यू नीड टू बैलेंस एवरीथिंग बीइंग अ पुलिस. ट्रू. एंड वन हैज टू बी वेरी क्लियर विथ ना डिसीजन दे वुड बी टेकिंग, क्योंकि कॉन्सिक्वेंस भी आपको सोच के रखने पड़ते हैं कि ठीक है अगर ये होगा, मेंटली आप प्रिपेयर हो इस चीज़ के लिए. और अगर मान लो ये नहीं हुआ तो अच्छी बात है, फिर और इससे बुरा क्या हो सकता है. बट जहाँ आपको कन्फ्लिक्ट लगता है, यू शुड ड्रॉ अ लाइन, दैट्स व्हाट आई थिंक. मे बी इट इज़ हार्ड, बट
एट द एंड ऑफ द डे तो कुछ तो डिसीजन अपने लिए भी लेने होते हैं, वो करना ही। मजा आ रहा है, बताओ और कुछ, मेरे को सुनने में मजा आ रहा है। जैसे मैं अभी एक चीज पूछने वाला था, पहली बार जब होता है ना, लाइक बाहर के लोगों तो शोर शराबा दिखता है, अरे एसपी साहब है, क्या ही कर लेगा उनका, है ना, एसपी का क्या ही हार्म हो सकता है। बट कभी कभार यू नो व्हेन यू गॉट नेगेटिविटी फॉर द फर्स्ट टाइम, आप अकेले ही जूझ रहे हो उससे, दुनिया को नहीं पता, दुनिया को इसका ग्लैमर दिख रहा है। आपको भी कहीं लगा होगा यार, आई बिकेम द एसपी, यू नो नोबडी कैन हर्म एनीथिंग, और यू आई एम नॉट हर्मिंग इन द सेंस, बट मेंटल डिस्टर्बेंस कोई लोग करके कर देते हैं ना आपके ऊपर। पहली बार जब हुआ, हाउ वाज द फीलिंग? गुड नाइट तो बिल्कुल नहीं हुआ होगा। नहीं, एक्चुअली देखो क्या होता है, नोबडी इज़ प्रिपेयर्ड फॉर पुलिसिंग। आई मीन हम सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, एंड नोबडी इन माई फैमिली वॉज इन सर्विसेज, तो वेन यू डू नॉट नो कि हाउ द लाइफ विल बी और बैकग्राउंड विल बी, सो यू एक्सपेक्ट थिंग्स टू बी इन एन आइडियल वे। तो जैसे क्या होता है, अगर मेरा इंटेंशन अच्छा है, मैं सामने वाले को हार्म नहीं कर रही, तो ऑब्वियसली आई विल एक्सपेक्ट कोई सामने वाला मुझे क्यों हार्म करेगा। सो इट इज़ लाइक यू नो यू आर इन अ जंगल एंड यू एक्सपेक्ट दैट द टाइगर विल नॉट हंट यू जस्ट बिकॉज यू आर अ वेजिटेरियन। सो दिस इज मतलब इंटेंशन हैविंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स अ पर्सनल थिंग। बट हाँ, जो सामने वाले आपके साथ जैसे बिहेव करते हैं या जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन चलते हैं, वो आपके बियॉन्ड है, दे आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। वो सब चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इवन इफ यू डोंट हैव एनी इंटेंशन टू हार्म देम, बट वॉट यू कैन कंट्रोल इज़ योर रिएक्शन, your you know how responsive you are and what kind of response you give. If you are reacting to each and every of their move, then you are unke agenda ke hisab se aap chalne lag rahe ho, aur agar aap us hisab ka reaction nahi de rahe to fir wo bhi pareshan ho jayenge. And you are right, ye kafi ek क्या बोलते हैं, रफ वे से इसको मुझे सीखने को मिला, बट एट द एंड ऑफ द डे स्टिल आई एम सेइंग कि लगा कि शायद कहीं गलतियाँ मुझसे भी हुई, आई शुड नॉट हैव ट्रस्टेड somebody सो मच टू और relied सो मच ऑन somebody टू डू द वर्क विच दे वर नॉट कैपेबल टू डू और समथिंग लाइक दैट। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे योर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड हाउ डू यू कंडक्ट योर सेल्फ, वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर देती है। क्योंकि मैं वही कह रही हूँ ना, बहुत सी चीज़ें आपके कंट्रोल में होती ही नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो की जा रही हैं या हो रही हैं जिसके शिकार आप हो रहे हो, लेकिन वो आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें आपकी कुछ गलती नहीं थी करने के लिए। लेकिन उसके बाद जो आपका रिएक्शन है वो पब्लिक बहुत देखती है, पब्लिक वॉचेस ईच एंड एवरी थिंग, वॉट डू यू से, हाउ डू यू वॉक, किसके साथ हो, क्या बोल रहे हो, आपका कंपोजर कैसा है, क्या है, तो वो फील्ड में डायरेक्ट सीखता है इंसान। उसके लिए आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लो, क्योंकि जब वो क्राइसिस वाली सिचुएशन फिर आती है, सो इट्स लाइक यू नो हैंड्स ऑन जॉब, आप ऐसे पानी में कूदे हो तभी तैर के निकल गए, तो लोगों को समझ आ गया अच्छा आपको तैरना आता है, लेकिन अनलेस एंड अंटिल आप वो गोता नहीं लगाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि हाउ मच पीपल कैन यू नो परटर्ब यू और सिचुएशंस कैन परटर्ब यू उस चीज पे। तो होता है, वो टाइम टू टाइम मिलते हैं ऐसे लोग और सिचुएशंस भी वैसे मिलती है, बट व्हाट आई पर्सनली फेल्ट कि व्हेन यू आर गिविंग राइट काइंड ऑफ रिस्पांस इवन इन द फेस ऑफ इट कि आप खुद बड़े इंटरनल परेशान हो, क्योंकि क्या होता है जब आप लीडरशिप के रोल में आते हो तो पूरी नफरी आपको देख रही होती है, द होल ऑल योर यू नो योर सबऑर्डिनेट्स मैन योर होल टीम इज़ वॉचिंग यू एंड यू कैन नॉट एक्ट recklessly or emotionally and saying ki I am also a victim, what should I do? Even though you are feeling from inside, but then you have to rational it out, rationalize it out ki how you have to come out and react. तो उससे आपकी भी सेल्फ ग्रोथ हो ही जाती है, समझ आ जाता है कि वो पीरियड होता है, टाइम होता है, उसके बाद सब ठीक हो जाता है। सो पीपल एट द एंड विल रिमेंबर योर कंडक्ट कि कैसे आपने उसको मतलब वो किया, इवन इफ दे आर यू नो सिंपथाइजिंग विद यू कि ठीक है उसकी इतनी गलती नहीं थी, बट फिर भी उनको फिर ये लगता है कि चलो उसने कुछ वैसे हिसाब से रेकलेस तो नहीं किया या कुछ वैसा तो उल्टा सीधा नहीं बोला जिससे उनको कुछ और मिले बोलने के लिए। कभी कभार जैसा बोल रहे थे ना मैम, आई वॉज रिकलेक्टिंग समथिंग इन माई माइंड कि
कई बार ना हमारे इंटेंशंस बहुत साफ होता है बट लोग उसको ना अलग डायरेक्शन में ले जाता है. मतलब मैं मेरी खुद की एग्जांपल दूंगा. मैंने जब शुरू किया था मैंने आपको बताया कि मैं तो ऐसे मजा मजा में शुरू किया था. मुझे पता नहीं था यूपीएससी क्या होता है. पता नहीं कैसे हो गया इतने सारे ऑफिसर मिल गए मेरे लिए. आज भी नहीं पता कैसे हो गया. ठीक है कुछ लोग कभी कभी ना मतलब मैं सुनता हूँ मेरे आउटसाइड में बोलते हैं कि ये क्यों मिलता है. What is his agenda behind? तो मैं बोला अच्छा इसका भी agenda भी होना चाहिए. मैं तो बस वीडियो बनाने में अच्छा लगता है. मेरे को घूमने का मौका मिलता है मैं बना लेता हूँ. तो then I realized कि भले ही अपना intention ठीक हो I don't have any intention behind it है ना. मुझे तो बस content बनाना है. आप लोगों की story दिखाना है जो दिखते नहीं है. ठीक है क्योंकि journalist के अलग expect होता है दिखाने का. But people think you in a different way. I'm still in that phase, you know, dealing those things. And you can't show. अभी मैं react कर जाऊँगा तो उनके लिए तो बस दे दिया मैंने हाथ में उनको मौका. वो तो और खेल जाएंगे उसके लिए. So I think life teaches many things. हाँ एंड द यू नो टीचिंग इज़ कंटिन्यूस. यू कॉन्ट स्टॉप लर्निंग एट एनी गिवन एज और एट एनी गिवन पोस्ट. मुझे तो अभी भी लगता है कि डेली अच्छा ये भी चीज़ होती है ये भी होता है. जैसे ना द थिंग ऑफ लर्निंग एंड यू नो नॉलेज इज एवर एक्सपेंडिंग. मतलब इवन इन पुलिसिंग एक छोटा डिपार्टमेंट है एक बड़े सेटअप का. स्टिल इतनी सारी चीज़ें हो रही है यू नो ऑन एट नेशनल लेवल एंड एट मिनिस्ट्री लेवल एंड ऑल की वो सारी चीज़ें भी नहीं पता होती. तो ना एवरी डे लाइक आपको कोई नई चीज़ ही दिखती है. अच्छा ये भी हो रहा है अच्छा ये भी हो रहा है एंड यू स्टिल लाइक यू नो एक तो डे टू डे अफेयर्स का भी आप करते रहो पर अचानक से ये कुछ नई चीज़ें भी हो रही है उसके भी उसमें अपडेटेड रहो. सो योर पर्सनल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ योर ओन I would not say intellectual but more of learning कि आप अपनी skills भी upgrade करते रहो develop करते रहो. तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको सब कुछ नहीं पता है ये चीज़ के लिए.